तो बढ़ते हैं आगे। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के लिए 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए सभी को सिंबल बांट दिए हैं। पटना के कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार देर रात सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है। इस बार पार्टी को 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इनमें वजीरगंज से शशि शेखर, बरबीघा से गजानंद शाही, वसीरलीगंज से सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, हिसुआ से नीतू कुमारी, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, सिकंदरा से सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बक्सर से मुन्ना तिवारी, विक्रम से सिद्धार्थ को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसके बाद 3 नवंबर को 94 सीटों और 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस मतदान के बाद 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे।